आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। मेरा नाम गुलशाद बेगम है और मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद मोइज है। और उन्होंने 2012 में मेरी शादी हो गई थी और 2016 में कुला ले ली मैं उनके ड्रिंक के तरफ से। ड्रिंक पी के ज़्यादा बहुत परेशान कर रहे थे, रोड़े रोड भगा रहे थे, बात करें कि पुलिस नाका हो जा रहा था। इसलिए मैं अपने तरफ से खुला ले ली। मैं उन्हें बहुत टॉर्चर कर रहे, अपने आप को फांसी कभी ले ले रहे, कभी अपने आप को कुछ मार ले रहे, फिर मेरे को ऑपरेशन के ब्लेटा लेके फिर रूम बोल के फ़ोन आ में रिकॉर्डिंग आ कर रहे, नहीं तो तेरा ऐसा हालत एसिड डाल तू मुँह पे बोल के बोल रहे। आप जो भी है आपके पास में है अब उससे ज़्यादा। तो मैं चंद्रान गुट्टा पीएस में दी थी। मैं चंद्रान गुट्टे के पीएस वाले सर बोले कि नहीं, बोले इन ड्रिंक करे हुए हैं। ड्रिंक करने के बाद में हमारे वर्दी पे आ जाती बात, उसके बाद में हम लोग एक्शन लेते। बोले कोई एक्शन नहीं लिए, कुछ नहीं लिए। मैं अभी तक भी रोड़े रोड भाग लेते फिर रही हूँ आदमी के डर से। मेरे को बहुत डर हो जा रहा, मेरे बाद में कोई नहीं है, मेरे बच्चों का सहारा। मेरे को 6 बच्चे हैं, मार डालने की धमकी दे दे रहे हर टाइम पे। मेरे को वही फ़ोनों में वही बोल रहे कि देखो ऐसा कर डाल तू, तेरे ऐसे गंदे गंदे लफ्जों में बोल रहे, नाल और रान, मतलब बहुत अलग अलग बातें, बहुत गलीज बातें कर रहे हैं। मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। या तो आप इंसाफ कराइए मेरा, नहीं तो यार नहीं। खुला होने के बाद में भी ड्रिंक करके मेरे घर पे बाउंड्री थी छोटी, 4 फुट की बाउंड्री थी, वो बाउंड्री में से कूद के आके कभी अपने आप को मार ले रहे, कभी हम लोगों को रोड़े रोड भगा दे रहे। रात रात हम लोगों बाहर 6-6 बच्चों को लेके पीएस के बाहर बैठना पड़ रहा था। इससे पहले भी मैं मीडिया में डाली थी बात मेरी, तो तब भी कोई भी बोले नहीं खवातीन पियो शहर की तरफ से खवातीन परेशान बोल के, खाली इतना ही बोल के डाले थे बस। और ये मेरा खुला नामा है, ये 2012 का ये। और उसके बाद में ये मैं महिला मंडल को बहुत बार गई मैं, ऐसी की ऐसे तकलीफ हो गई। पर ये महीने में भी गई थी मैं, तो ये महीने में भी वो बोले कि उनके बाबा को बुला के बात करेंगे बोल के। उसके बाद में ये एफ आई आर पेपर मेरे को दिए, सो ऐसे इन्होंने एक सर थे जब दिए थे मेरे को। मैं बहुत बार 12-13 साल से पीएस ना के फिर रही हूँ, मैं अब नहीं फिर सकती, मैं हार गई ज़िंदगी से। फ्रेंड है ये, हस्बैंड थे, अब नहीं है मेरे हस्बैंड, मेरे इनका डिवोर्स हो गया। उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे को जान को धोखा है बोल के मेरे को ऑपरेशन के ब्लेटा ये वो लेके फिर रहे। उन्होंने मेरे को मार डाल तू, एसिड डाल दे तू, ऐसे गंदे गंदे लफ्ज़ों में बातें कर रहे। और मेरे को ये गुजारिश है मेरी के कमिश्नर साहब से कि मेरी कोई हेल्प करिए कि ये आदमी से ऐसी छुटकारा, मेरे को ऐसी ज़िंदगी नहीं, मेरे बच्चों के साथ में मैं खुश रह सकती हूँ, मैं ऐसा खुश रह सकती हूँ। मैं मेरे को ऐसे आदमी से ज़रूरत नहीं है। मेरे को जो मेरे को मारना तोड़ना रोड़ों पे भगाना, मेरे को 1-2 बच्चे नहीं है, मेरे को 6 बच्चे। मैं भीख मांग ले के जी ले रही हूँ या काम करके कुछ भी कर ले के जी ले रही हूँ, मगर जीना उसके साथ तो जीना नहीं है। मगर ज़बरदस्ती के उन्हें फोना करके मेरे को गंदे गंदे गालियाँ दे रहे और ये ऐसा तकलीफ़ दे रहे जो भी है। ये 4-8 दिन में 4 दिन हो गया फ़ोन करके। ईद के बाद में बोल रहे कि मैं तू ऐसी है वैसी है, मेरे अम्मा को सलाम नहीं करे। मैं बोली डिवोर्स होने के बाद में मैं कहीं का सलाम करूँ आपके मम्मी पापा को? मैं नहीं करती हूँ। आप लोगों को जो बात करना है और दूसरे नंबरों से फ़ोन नहीं करना, आपको जो भी बात करना है तो आपके पापा से करो बोल के बोली मैं। और उसके बाद में आप ज़रा जो भी है आप मेरे कमिश्नर साहब से गुंजाइश है मेरी है कि आप जो भी है आदमी को सज़ा दीजिए बस, और कुछ भी नहीं।